गाइज, वेलकम टू न्यू व्लॉग जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं कुछ ट्राई करने वाली हूँ, वो है प्रैंक। ठीक है, वो मैं ट्राई करने वाली हूँ मनीष के ऊपर। मनीष का बर्थडे है एक्चुअली, और अगर वॉइस लो आए तो प्लीज सॉरी यार, क्योंकि आगे जो है मनीष बैठे हैं तो मैं उन तक ये बात नहीं पहुँचाना चाह रही हूँ एक्चुअली। तो मैं आपको बताती हूँ प्रैंक क्या करने वाले हैं। ठीक है, वो जो है सबसे पहले जो है मैंने तैयार किया है, अभी हो गया ऑलरेडी 11:30। यार मैं दही बड़े का बैटर तैयार करने लगी तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो सबसे पहले जो है मैंने ऐसी जो है एक चॉकलेट क्रीम तैयार करी है। ये अभी थोड़ी सी गर्म है तो मैं इसको जा रही हूँ फ्रिज में रखने, और जो है अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं ताकि 12 बजे से पहले फिनिश कर पाएं। तो आई होप ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो और मजे वाली हो, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम प्रैंक ट्राई कर रही हूँ ना। मुझे सबसे ज़्यादा शक ये होता है कि मनीष को पता चल जाएगा यार, वो ऑलरेडी इतनी वीडियोस, मतलब प्रैंक वीडियोस देखते रहते हैं वो फेसबुक पे, ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस ना, तो उनको पता ना चल जाए। तो आई जस्ट वॉन्ट कि ये प्रैंक मेरा सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या कर सकते हैं अगर नहीं भी हुआ तो, बट ट्राई फुल ऑन करेंगे। ठीक है, तो गाइस हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो मैं मनीष को उधर कुंडी लगा के बंद करके आ गई हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ना मैं, मतलब उनको पता है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, दही बड़े का वीडियो शूट कर रही हूँ। ठीक है, तो आई टोल्ड कि ना आवाज़ आएगी कूलर की तो मैं बंद कर देती हूँ कि ठीक है वो आराम से अपना गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपसे प्रैंक के लिए। सबसे पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रैंक के लिए, बस ये सक्सेसफुल हो जाए भगवान, है ना। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। चॉकलेट क्रीम बन गई है हमारी। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे चाहिए एक बलून सबसे पहले, तो हमारे पास हैं येलो कलर के बलून और हमारे पास हैं रेड कलर के बलून। यस, वी हैव व्हाइट कलर के बलून, तो व्हाइट कलर ठीक रहेगा एक्चुअली, ताकि ऐसा लगता है ना कि चॉकलेट केक के अंदर व्हाइट कलर भी होता है। ठीक है, मैं पानी भर के लेके आई हूँ इस लोटे में। ठीक है, अब मैं पहले आपको प्लान बता देती हूँ कि क्या है। मैं जो है ये बलून फुलाने वाली हूँ, पहले इसके अंदर पानी भरूंगी फिर इसको फुलाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं। आज आपको बताऊँ, पिनाटा केक आता है जो कि ऐसे गोल गोल होता है, फिर उसको हथौड़े से मारते हैं एंड देन उसके अंदर एक केक निकलता है। ठीक है, तो मैंने मनीष को ऐसे बातों बातों में बोला था कि यार इस बार तो मैं आपके बर्थडे पे पिनाटा केक तैयार करूंगी। अब अगर उसको पिनाटा नहीं बोलते तो प्लीज़ सॉरी, मे बी मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट हाँ मेरा वो, मैं समझा चुकी आपको कि गोला गोला वाला, हथौड़े से मारने वाला। तो मैंने मनीष को पहले बोला था कि मैं वो केक तैयार करने वाली हूँ। ठीक है, तो उसका प्रैंक करने वाले हैं। तो बेसिकली ठीक है, बस ये सक्सेस हो जाए यार। ठीक है, तो ऐसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा पानी थोड़ा सा फुला के भरो बाद में, भरने में कैसे आएगा इसके अंदर पानी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि, मुझे लगता है अगर दो लोग होते तो आई कैन गेट हेल्प, बट ठीक है थोड़ा फुलाते हैं इसको फिर देखते हैं। फूला, पर इसमें पानी कैसे भरूं यार। अब मुझे चाहिए, मुझे लग रहा है कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए थी मेरे को, मतलब किसकी हेल्प लूंगी वैसे, पर थोड़ा थोड़ा करके भरते हैं पानी। यस 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 यस, वी आर सक्सीडिंग यो, और ऑफ कोर्स फुल नहीं भरना इसको। ओ, मैं तो फुल भर दिया, कोई बात नहीं, इसका पानी निकाल देते हैं क्योंकि ये फिर फूलेगा नहीं। लेट्स सी, मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब इतना इसमें पानी है जितना ये ऐसा है, अब पानी तो जरा सही बच जाएगा, पानी और भरना पड़ेगा। ये तो फुल भर दिया मैंने, लेट्स सी अब क्या होता है। अरे यार तुम मेरा कबाड़ा मत करना पहले, अब शायद और पानी भरा जाए इसमें थोड़ा थोड़ा करके, पर जाएगा कैसे अंदर। यार हम कुछ कर सकते हैं इस, यार स्ट्रॉ नहीं है मेरे पास, नहीं तो स्ट्रॉ से तो हो जाता। रुको 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 रुको,
थोड़ा थोड़ा करके हम पानी भरेंगे इसमें। वाह, ये क्या हो रहा है? फिर से पानी छूटेगा। कोई बात नहीं, अब क्या करें यार, ऐसे लंबा करके करूं क्या? ज्यादा बड़ा तो नहीं करना है इनको, तो इसको ठीक है अभी इतना ही बांध देते हैं। नहीं भरा तो नहीं भरा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इतना बड़ा हो गया यार, अब दिक्कत ये है कि इसको ठहराएंगे कैसे। ठहरा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसी एक प्लेट ली है मैंने। अब सबसे पहले तो इसको चॉकलेट पाउडर लाती हूँ मैं। चॉकलेट पाउडर है, पहले इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर अच्छे से कर देते हैं। बस ये जाने वहाँ उनके पास जाने से पहले ही ना फूट जाए यार, ठीक। ऐसा ना हो कि मेरी मेहनत बेकार जाए। गर्म तो नहीं है ना? नहीं, हो गया ठंडा, ठीक है। इसको अच्छे से ना, बलून को अच्छे से चॉकलेट से अनु, बस कहीं से चूक मत जाना कि गैस कर ले वो, ऐसा करना नहीं है तुम्हें, ठीक है। तो तेरी ओ क्या हो रहा है भैया, ऐसे ना हो तुम हम पे ही प्रैंक कर रहे हो। ओ देखो मेरा टॉप गंदा हो गया, कोई बात नहीं सह लेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इसको खड़ा करते हैं यार। खड़ा करके तभी फिर चारों तरफ से वो आएगा। भाई तुम ना ऐसे लुड़को मत यार, तुम मेरी मुझे लग रहा बेइज्जती कर रहे हो, कि प्रैंक ना हो पाया एक ढंग से तुमसे। इतना हंसेंगे ना मनीष अगर मैं सक्सीड ना हुई और मैंने ऐसा प्लान किया अभी तो। क्योंकि मैं इतने मन से कर रही हूँ, आई डोंट वांट कि जो है ना फेल हो जाए इसमें। या तो मैंने बलून ज्यादा बड़ा फुला दिया यार, या फिर इतनी क्रीम नहीं है मेरे पास। ये बात ऐसी है, तो बोल रहे हैं हम, दिख रहा होगा आपको भी यार। मेरे को बस एक ही बात का डर है कि मनीष को पता ना लग जाए। वैसे उन्होंने गैस नहीं किया होगा। अरे यार तुम इधर से चिपक रहे हो मेरे इसके, और तुम ये क्रीम। ये हो गया है हमारा, ठीक है। मैं इसको चारों तरफ से देख लेती पहले, ठीक है यार। पर मैं कटोरी रख के इसको कर तो सकती हूँ, बट फिर गैस कर लेंगे यार वो, ठीक है। तो देखो तैयार है, अब इसके ऊपर ना टॉपिंग कर देते हैं थोड़ी सी। तो देखो मेरे पास केक की टॉपिंग्स तो नहीं है, ठीक है, और बाकी ऑलमंड्स वगैरह मैं बर्बाद नहीं करना चाह रही। मेरे पास ये वेफर्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ, चोको क्रीम डाल दी। अब इनको ऐसे तोड़ के ऐसे ऐसे ही वो करके, और जो है ना फिर से इसको उठाते हैं। मैंने ये आइडिया इसलिए कि अंदर का बलून वाइट है ना, तो फिर जो है ना अगर कुछ वाइट दिख भी गया तो उसके अंदर छुप जाएगा ये, ठीक है। कहीं से वाइट दिखेगा तो भी ऐसा शक नहीं जाएगा, ठीक है। ये लग गया मेरा अलार्म, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। सो गाइज आर यू रेडी फॉर दिस प्रैंक? चलो चलते हैं, 12 बज गए ऑलमोस्ट। हैप्पी बर्थडे। ये वाला बनाया तुमने? हाँ। ये कैसे बनाया? ये मैंने बनाया बस। ये कैसे बना दिया पर तुमने?
बना लिया मैंने बस। तो तुम गोल गोल सा। अरे गोल गोल सा क्या शेप ही गड़ गया था, पता है कितने कबाड़े करे मैंने। चाकू तो लाना ही भूल गई मैं। इसको तो फोड़ते हैं ना। फोड़ते हैं ना। कैसे फोड़ेंगे? दोबारा तो नहीं। एक पागल हो क्या? बताओ ना, तुम जाओ पहले चाकू लेके आओ अपने बर्थडे के लिए। ये ऐसे मत करो प्लीज, मेरे केक को बिगाड़ो मत। हो नहीं बिगाड़ नहीं रहा मैं तो, फिर प्लीज लेके आओ मेरा बर्थडे। मैं ये देख रही हूं बंदा क्या है, वही तो कह रही हूं इतने कपाड़े हुए हैं। तो उसको तो फोड़ते हैं ना बेटा। हां और बड़ी उसमें लेती ना। हां यार, पर मेरे को ऐसे लगा कि ऐसे फैल ना जाए ये। अब तक तो सक्सेस हो रहा है। ज़्यादा फैलेगा? हाँ वो तो मतलब इसके बराबर थोड़ा ही है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको स्क्रीन पे आगे करूँगी। एक सेकंड रुको प्लीज, केक को छेड़ना नहीं, मैंने बड़ी मेहनत करी है। ठीक है दोबारा तो नहीं है। अरे यार तुम कुत्ते बहुत डर लगे से। नहीं नहीं कपड़े गंदे जाएंगे। नहीं नहीं मेरा फोटो कट रहा है। कट रहा है क्या? तुम भी कट रही हो। ऐसे होता है ना किसी के साथ, अच्छा दिख रहा है ना। मैं इसलिए जेम्स मांग रही थी पता है आपसे, कि जेम्स ले आऊंगी तो जेम्स अच्छा लगता है। पर ठीक है, हैप्पी बर्थडे। 12 बजे की? हां बजे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे फिल्म मत करना पड़ेगा। क्या सीन चल रहा है? मैं अपनी विश बात बताऊंगी। मैं ऐसे केक को देख के बोल रही थी कि I just wish कि आपके बर्थडे पे ऐसे केक बनाते हो। आप विश मांगना पहले। मैं क्या विश मांगूं? कुछ भी। बुझाओ और विश मांगो। वैसे ही काट लो, वैसे तो छोड़ो ऐसे काट लो। हिल रहा है वो बारा अंदर। अरे नहीं है यार, वो इसीलिए तो मैं बड़ी प्लेट में लाई कि ना ऐसे हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे। नहीं है यार, मतलब वो शेप देने के लिए फॉइल लगाई हुई है मैंने और कुछ नहीं है। किस पे लगाई? अरे यार तुम बहुत केक काट हो रहा है यार। बारा अंदर नहीं है, फॉइल काट रखी है मैंने। ये काट रहा है, ये क्या बदतमीजी है? व्हाइट वाला गुब्बारा। क्या व्हाइट वाला गुब्बारा? नहीं है वो। नहीं तो तुम दो चलाओ ना काट। ओए बोला था मैंने गंदी हो जाएगी। नहीं क्योंकि इस क्रीम में मैंने शुगर नहीं मिलाया ना, तो ये वैसी ही है चोको चोको वाली।
अच्छा वो तो पपड़ी तो वो तो मिट्टी है ठीक है मतलब ऐसा हो गया जैसे हम दिवाली के टाइम पे गोवर्धन जी के अंदर पटाखा रखा के पूरा घर गंदा कर देते हैं गोबर से तक। तो मैंने तो कैसा लगा आपको आपके बर्थडे का प्रैंक सरप्राइज समझ नहीं आ रहा कि आज दोहन का अब क्या करें लिटरली मतलब गंदे वंदे सब हो गए हो गए तो चलो हम अभी नहीं 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 हाँ चलो ये प्रैंक तो यही खत्म करते बाकी बर्थडे व्लॉग चालू रहेगा मन के बर्थडे ठीक है तो ये था एक छोटा सा प्रैंक जो मेरी कोशिश थी हो गई ठीक है क्या हो गई पता था मुझे पता चल गया था यार ये कैसे है मतलब अब तो जब फूट गया तो हाँ मुझे पता चल गया था बड़े इस बार का बदले ना मैंने सारी गवाही है सब गवाह है इसके मतलब इन्होंने गैस किया था हाँ। थोड़ा शक तो होता है ना कि मेरी बीवी इतना गोल मटोल कैसे बना सकती है वो इतने से कम टाइम में हो सकता है इन्होंने गैस गोल मटोल यू इतना सुपर यार क्या कहूँ चलो छोड़ो तो ये प्रैंक आई होप आप लोगों को भी फनी लगा हो ये ठीक है और आप अपने पार्टनर के साथ इसको कर सकते हो बर्थडे कभी मत करना भाई साहब अगर आप खुद कपड़े धोते हो तो कभी मत करना तो आप कपड़े धोते हो किसने धोए आज मच्छर ले और क्रीम लगी तो चलो कैसा लगा आपको ये प्रैंक जरूर बताना ठीक है छोटा सा आए राम मतलब ये होली खेलेंगे रात भर क्या ये क्या है ओह माय गॉड इसमें मुंह दे दो हाँ यार आइडिया अच्छा है